हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवराम नाइक चैनल। तो आज हम दिखाने वाले हैं ये हुंडई ग्रैंड आई टेन पेट्रोल की इंजन का असेंबल कैसे किया जाता है। तो उसका पूरा पार्ट पार्ट किया हुआ है, उसको असेंबल करके दिखाएंगे आज। ये है ब्लॉक, उसको अच्छा से साफ कर दिए। बेयरिंग डालेंगे अभी। ये बेयरिंग जो है इसमें नंबर डाला हुआ है, नंबर का हिसाब से दो नंबर। चार है, तीन तीन है ना, तीन है, ये चार, वन टू थ्री फोर, को तो फोर फाइव सिक्स लेकिन दागी दिया हुआ है। हम लोग खोलने के टाइम में ही दागी दे दिए थे। लगाने के टाइम ये घर देखने के लिए बोले ये बेयरिंग हमेशा लगाने का टाइम में ये जो लॉक है ये लॉक हमेशा मिला के लगाना है। जैसा कि ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये है लॉक। अगर इधर उधर हुआ तो बेयरिंग सीज हो जाएगा। ये आपकी क्रैंक है, ये आपका टाइमिंग साइड में रहेगा। तो हम लोग का ये टाइमिंग साइट है, ये टाइमिंग साइट में रहेगा। ये इसका ऊपर में ऑयल डाला जाएगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में ये है इसका वाशर, थ्रस्ट वाशर। किसको? इंजन का थ्रस्ट वाशर, क्रेन का थ्रस्ट वाशर है, थ्रस्ट वाशर। तो ये जो थ्रस्ट वाशर है, एक साइड प्लेन रहेगा और एक साइड जो है ये डॉट डॉट रहेगा। ये जो है आपका क्रेन का साइड में रहेगा हमेशा, क्रेन का साइड में। जैसा कि ये क्रेन है, ये जो लॉक है ये साइड रहेगा। और देखते हैं ये है, ये साइड रहेगा। कैप है, मेन बेयरिंग कैप। ये नंबर है वन, टाइमिंग साइड से काउंटिंग होगा हमेशा। ये एरो मार्क जो है वो टाइमिंग साइड में रहेगा। वन टू थ्री और ये फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। टाइमिंग ये जो मार्किंग है हमेशा टाइमिंग साइड में एरो करके रहेगा। बोल रहा ना, ये पूरा फ्री होना चाहिए सर, पूरा फ्री। थोड़ा भी अगर जाम हुआ तो इंजन में दिक्कत आ सकता है, बेयरिंग सीज हो जाएगा, घोड़ा भी पकड़ रहा है। बस पूरा फ्री होना चाहिए सर। एक बार और चेक कर लेंगे। ना ना ना
पूरा फ्री परफेक्ट। अभी इसमें आपका क्रैंक वाला काम हो गया, अभी हम लोग डालेंगे इसमें पिस्टन। नेक्स्ट स्टेप पिस्टन डालने में, पिस्टन आपको नहीं डाले, ये जो एरिया है सबसे पहले तो इसको चेक करना है कि इसमें कोई दागी वागी है कि नहीं है। इसमें हम लोग ने लाइनर फिट किया हुआ है, स्लिप डाला हुआ है, ये तो ये पूरा कंप्लीट काम किया हुआ है। पिस्टन रिंग निकाल दो, पिस्टन रिंग है पूरा हुंडई की ओरिजिनल, एकदम हुंडई की है ओरिजिनल। जैसे चलते जैसा बोलते हैं महंगा वहाँ कौन सा मूवी बोलते देखे थे महंगा वहाँ। ये हो गया आपका पिस्टन रिंग्स, उसमें तीन टाइप का आएगा, एक टॉप रिंग आता है, एक कंप्रेसर रिंग आएगा और एक ऑयल रिंग आएगा, और ऑयल रिंग का साइड में ये दो रिंग आएगा सेक्शन रिंग। तो इसको नहीं लगाने के पहले हमेशा चेक कर लेना ये है कि कहीं लाइनर छोटा बड़ा तो नहीं लगा हुआ है, पिस्टन रिंग बड़ा छोटा तो नहीं है, गैप कितना है पिस्टन, पिस्टन आया है, हम लोग ने पिस्टन चेंज कर दिया, बेयरिंग चेंज किया है, ये गैप देखना है, ये वाला गैप कितना है, ये हमेशा ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए और ये ऐसा फ्री रहना चाहिए, अगर जाम होगा तो आपका ये लाइनर कट जाएगा। एकदम परफेक्ट है, मतलब ये ठीक है, मतलब सारा रिंग ठीक है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि पिस्टन में रिंग कैसे फिट किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो ऑयल रिंग है इसको सीधा फिट कर दीजिए, उसके बाद सक्शन वाला, ये हो गया आपका सक्शन रिंग, इसको ये जो फेस है इसका जो जॉइंट था इस जॉइंट का ठीक थोड़ा गैप रख के इधर लगाना है करके, उसका बाद में ये इसका जो जॉइंट है इसका ठीक अपोजिट साइड में ये लगाना है, ठीक अपोजिट, इसका फेस नहीं मिलना चाहिए एक दूसरे के साथ में, ये हो गया इसका ठीक ऑपोजिट में ये लग गया कंप्रेसर, ये हो गया आपका कंप्रेसर रिंग बीच में, और यहाँ में देखिए ये टॉप लिखा हुआ है, ये ऊपर में रहेगा, तो इसका ऑपोजिट में ये लगाया, इसका ठीक ऑपोजिट में ये लगेगा, ठीक है, बहुत होशियारी से लगाना है इसको, टूट जाता ही नहीं तो। और ये हो गया टॉप रिंग, टॉप रिंग जो स्टील का रहता है ऐसे भी चेक कर सकते हैं साउंड निकलेगा, तो ये भी इसमें टॉप लिखा हुआ है तो ये ऊपर रहेगा, तो ठीक इसका ऑपोजिट में ये रहेगा, तो ये हो गया सिर्फ प्रोसेस बाकी तीनों के साथ करने। तो ये है पिस्टन, हम लोग ने रिंग लगा दिया, नया पिस्टन है, तो इसका रिंग जो है मिला हुआ है एकदम परफेक्ट है। उसके बाद में इसको खोलते हैं, एक नंबर मिला ना, हमेशा बेयरिंग का पार्ट जो है हमेशा सफा रहना चाहिए, कोई धुला उला नहीं रहना चाहिए। लाइनर में थोड़ा सा मूवी लगा देंगे,
बेयरिंग में रहेगा मोबिल, पिस्टन में रहेगा मोबिल, आया पिस्टन में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये हमेशा एरो मार्क मिलेगा आपको और ये डॉट मिलेगा। ये कोई भी जो डॉट होता है एरो मार्क होता है ये हमेशा टाइमिंग साइट में होता है। ये लगाने से तो हम लोग ऐसे भी लगा सकता है लेकिन ये टाइमिंग साइट में रहेगा तब जाके ये वेल्व वाला पॉइंट लॉक मैच होगा। तो ये टाइमिंग साइट हो गया आपका, ये टाइमिंग साइट है, ये फ्लाईव्हील साइट है, गियरबॉक्स साइट, ये टाइमिंग साइट है। तो ये मार्क जो है ये टाइमिंग साइट में लगेगा। ये हो गया रिंग पुलर, तो सभी को पता है। आराम से डालना इसको नहीं तो रिंग घूम जाएगा। हो गया सीधा है देख, अरे सीधा है ना, एक नंबर में है। कोई लग गया निकालो, कहीं भी नहीं लगा मार दो आराम से काट दे। ये पिस्टन लग गया आपका हमारा, इसमें पिस्टन का साउंड था तो हम लोग ने पिस्टन चेंज कर दिए, लाइनर चेंज कर दिए। इंजन का अंदर में जो भी डाउट लगता है सारा चीज देखना है, अच्छा बारीकी से ध्यान से देखना है। प्ले नहीं है आपका, हो गया 19 का पाना निकालो। वैसे तो ये टॉक रेंच में टाइट होता है तो हम लोग पास बैठे टॉक रेंच नहीं है, तभी अपना हाथ ही टॉक रेंच है, उपाय नहीं है, टैलन से टाइट करना पड़ता है। सी 3 से 3.5 किलो जाता है टाइट। हल्का सा प्ले है, ये प्ले रहना चाहिए।
हमेशा ये टाइप देने का टाइम में इसका स्पेशल टूल्स का यूज़ कीजिए। ये स्टार टूल्स होता है, नॉर्मली 8 नंबर टूल से भी खुल जाता है, उसमें स्लिप होने का चांसेस रहता है। आराम से घूम रहा है, मतलब कोई जाम नहीं इंजन में, एकदम फ्री है। ज़्यादा गम डालने से हम लोग का जो ऑयल स्क्रीन होता है वो जाम हो जाता है, उसके लिए फिर इंजन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसका नाम पूरा मत लीजिए ना, केस बोलने से हो गया। तो बोल दिए जाम अकेले फैला देते हैं इसको। पाकिस्तान का जो यूट्यूबर नहीं है जुबैर, और वो वाला मजा आ गया। दिखते ही नहीं, सही बात, हम भी नहीं दिखते, नहीं जाता, गद्दा रहती बस्ती पाकिस्तान का वीडियो दिखा दे। आज हम बोलते हैं लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। इस तरह बोला हो गया। उसी है अभी काम लगा देते हैं सेफ्टी के लिए। ऑल स्क्रीन है, चंबर को लेके चंबर में काम लगाना है। कुछ बुलटू टाइप देगा ना, कंपनी के ओरिजिनल हेड गैसकेट ये है।
हल्का सा मोबिल लगा के लगाना पड़ता है। तो हेट ले क्या गैस हमेशा ये ध्यान रखना है हेड गैसकेट लगाने के टाइम में, ये जो ऑयल लाइन है ये ऑयल लाइन हेड गैसकेट बराबर बैठा है कि नहीं, ऑयल लाइन ठीक ठाक है कि नहीं है। ये एक नंबर टॉप में रहना चाहिए टाइमिंग वाला। अब ये टाइमिंग का साइड लग गया। चलो बोल ला और टूल्स का साथ में ही टाइट करना है हेड का बोल्ट का जो है। लग गया कैमशाफ्ट है, इसमें दो कैमशाफ्ट रहता है, एक इंटेक एक एग्जॉस्ट। तो ये हो गया आपका इंटेक, अगर मैं लिखा होगा इंटेक IN इंटेक, और इसमें स्प्रिंग नहीं रहेगा। ये जो है ये जो एग्जॉस्ट केबल क्या केबल है ना, ये हो गया आपका एग्जॉस्ट। टाइमिंग लग गया आपका, अपना किधर गया ये देखो, आपका जो कैप है ये एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट है, ये इंटेक है। तो ये एग्जॉस्ट वाला कैप लॉग एग्जॉस्ट है, ई माने एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट 1 2 3 4 टाइमिंग का साइड से काउंटिंग होगा। एरो मार्क जो है वो एग्जॉस्ट का साइड में रहेगा। इंटेक जो है इंटेक 1 इंटेक 2 इंटेक 3 इंटेक 4 टाइमिंग साइड से काउंटिंग होगा, और एरो मार्क जो है वो इंटेक साइड में रहेगा। ये अगर इधर का उधर हुआ तो ये जाम होगा। और ये लग गया, उसके बाद में हम लोग टाइमिंग मिलाएंगे, चेक कर सकते हैं जाम है नहीं है। तो ये जाम नहीं है, ये भी चेक कर लिया। टाइमिंग मिला रहे हैं, अभी हम लोग इसका जो है ऑयल पंप लगा देंगे।
कौन सा खेल है ये? सब से नहीं है टाइमिंग चेन आपका लग गया, मार्किंग में दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो मार्किंग है ये कलर अलग है, ये कलर अलग, ये थोड़ा अलग है, मतलब इसमें डॉट रहता है लेकिन गुम हो गया ये मार्किंग, डॉट इधर में लग गया, ये डॉट जो है इसमें लग गया, और जो नीचे में है एक यहाँ में एक डॉट रहता है। और के दिखा देता हूँ मैं, तो पोज को ना रखने के लिए कि वह बैग कूटे था ना है तैने जब बैग होती फिटिंग हो गया इंजन, अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है हवाई जहाज। हाँ मारो फर्स्ट क्लास।